परसों एक टूर्नामेंट चल रहा था और वही टूर्नामेंट के छह मैच में हैक्स ई-स्पोर्ट ने द माफिया की टीम को टारगेट किया, द माफिया के टॉप पॉइंट में उतर गए। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को वही पूरे छह मैच की हैक्स ई-स्पोर्ट वर्सेस द माफिया की टीम की फाइट दिखाऊंगा। अब ये टारगेट वाली फाइट में कौन जीता ये आपको तब पता चलेगा जब आप वीडियो पूरी लास्ट तक देखोगे। तो आप लोग आज की वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले मैच से। पहला मैच होता है बर्मुडा का। बर्मुडा के मैप में द माफिया की टीम उतरती है मिल में, तो उनके साथ साथ हैक्स ई-स्पोर्ट की टीम भी मिल में उतरती है। पटियाले मैच में द माफिया की टीम बहुत अच्छा दिमाग लगाती है, वो हैक्स ई-स्पोर्ट की टीम को चारों ओर से घेर लेती है, क्योंकि जो हैक्स ई-स्पोर्ट की टीम होती है वो एक ही गराज के अंदर उनकी टीम के चारों प्लेयर होते हैं, तो द माफिया की टीम उनको आसानी से घेर लेती है। अब फाइट में कौन जीतता है आप लोग खुद देखो। और देखने वाली बात है कि क्या बदला ले पाने में सक्षम रहेगी, बिकॉज अभी के लिए दोनों प्लेयर्स फाइट लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोइस का गेम निकाल लिया जाएगा पहले तौर पे। माफिया अब तरफ से घेर लिया जाएगा सभी के सभी प्लेयर्स को, एक छोटे से वेयरहाउस में पूरी की पूरी टीम फंसी हुई है। माफिया वाला आगे बढ़ेंगे, डाउन करने की कोशिश जरूर से, यकीनन मेहुल 05 को डाउन कर लिया जाने वाला है। केडी ऑलरेडी नॉक डाउन रहेंगे, आखिरी प्लेयर साहिल 03 एंड उनकी कंफर्मेशन के साथ ही साथ हैक्स ई-स्पोर्ट्स हो जाएगी एलिमिनेट ग्यारहवें पायदान के ऊपर। अब बात करते हैं दूसरे मैप की। दूसरा मैप होता है परगेट्री का। परगेट्री के मैप में द माफिया की टीम उतरती है क्रॉस रोड, तो उनके साथ साथ हैक्स ई-स्पोर्ट भी उतरती है क्रॉस रोड। बटियाले मैच में भी द माफिया की टीम डोमिनेट करती है। अब कैसे डोमिनेट करती है आप लोग खुद देखो। मुझे लगता है सिक्योर करना थोड़ा सा मुश्किल करने की जरूरत यहाँ पर हम सभी को होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर नजर जरूर आने वाला है, लेकिन द माफियाज की बात करी जाए तो एक के लिए स्टार्ट पर सामने कौन है, एंड वंस अगेन हैक्स ई-स्पोर्ट्स फौजी अड्डा डाउन हो जाएंगे। सामने जरूर से शॉट्स फायर करेंगे माफिया बाला के द्वारा, फौजी अड्डा को रिवाइवल देने की कोशिश भरपूर है, शायद से वो रिवाइवल भी जरूर से यहाँ पे दे दिया जाने वाला है, लेकिन हैक्स चैलेंज कर रही है और बार बार इस चैलेंज को इस टीम को लूज करना पड़ रहा है। ये दिक्कत बनेगी जिस पोजीशन पे फिलहाल ये टीम बनी हुई थी ना नल्ला भाई, मुझे लगता है ये जो पोजीशन ये टीम फिर से लूज करने वाली है। हैक्स ई-स्पोर्ट्स जिस तरह से कल के दिन में ऊपर आ पाई थी, मतलब डे टू था जिसके दिन जिस तरह से ऊपर आई थी, वो लगता है गवाएगी। लेकिन साहिल डाउन करने के फर्स्ट जगह को किल कंफर्म, रश आ चुका है। साहिल कैन दिस प्लेयर मेक दिस क्लच हैपन, नहीं माफिया बाला किल कंफर्म करेंगे, हैक्स ई-स्पोर्ट्स फिर से एलिमिनेट हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे मैप की। तीसरा मैप होता है कालारी का। कालारी के मैप में द माफिया की टीम उतरती है सेंटा कैटरीना और उनके साथ साथ हैक्स ई-स्पोर्ट की टीम भी सेंटा कैटरीना उतरती है, तो फिर दोनों की टीम के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। बट यही फाइट में हैक्स ई-स्पोर्ट की टीम डोमिनेशन दिखाती है और वो माफिया की टीम के तीन प्लेयर को मार देती है। अब माफिया की टीम के माफिया अकेले बचे होते हैं तो वहां से बैक ऑफ ले लेते हैं। अब बात करते हैं चौथे मैच की। चौथा मैच होता है बर्मुडा का। बर्मुडा के मैप में द माफिया की टीम उतरती है मिल में, उनके साथ साथ हैक्स ई-स्पोर्ट की टीम भी मिल में उतरती है। बड़े वाले मैच में हैक्स ई-स्पोर्ट की टीम बहुत खतरनाक दिमाग लगाती है, वो माफिया की टीम को घेर लेती है। अब हैक्स ई-स्पोर्ट की टीम क्या करती है आप लोग खुद देखो। डर लग रहा है अभी थोड़ा सा, फौजी जिस तरह से डाउन यहाँ पर हुए हैं क्रोनो शील्ड के अंदर, फिलहाल के लिए हैक्स की टीम हावी पड़ेगी। माफिया बाला के पास रहने वाले वो शॉटगन, माफिया के पास वो कुछ भी वेपन है जरूर नहीं, आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, लेकिन केडी डाउन, माफिया डाउन हो जाएंगे। माफिया बाला के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, उस फाइट को टेक करें। डिलीट के पास डबल पिस्टल है, तब तब डबल पिस्टल देगा तब तब वो खौफ नजर आता है। डिलीट तैयार है, रश आएगा डिलीट के ऊपर, बहुत कमाल तक स्प्रे जाएगा। साहिल 03 डाउन किए जा चुके हैं, एक और प्रेस इनके बहुत करीब आएंगे, स्प्रे दिया जाने वाला है, डाउन करने की कोशिश, लेकिन माफिया हो जाएगी एलिमिनेट। अब बात करते हैं पांचवें मैच की। पांचवा मैच होता है परगेट्री का। परगेट्री के मैप पे द माफिया की टीम उतरती है क्रॉस रोड, बट प्लेन पाथ बहुत ज्यादा खतरनाक होता है तो क्रॉस रोड नहीं पहुंच पाती है, वो उससे पहले ही उतर जाती है, और माफिया के साथ साथ हैक्स ई-स्पोर्ट भी द माफिया की टीम के साथ ही उतरती है, तो दोनों टीमों के बीच में फिर क्लैश लैंडिंग हो जाती है और फाइट होना शुरू हो जाती है। अब फाइट में कौन जीतता है आप लोग खुद देखो। जरूर से होता नजर, लुइस के पास कोई बंदूक नहीं है, एंड ओके इस घर के अंदर भी किसी को कोई भी वेपन मिली नहीं है, ये क्या हो गया, मिली नहीं रही बंदूक, लेकिन हैक्स के मेहुल को मिलेगी, साहिल को स्नाइपर मिल चुकी है, एंड फायदा हैक्स को पहुंचता नजर आ रहा है। शुरुआत तो हुई है, अभी तक जब तक नॉक नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ बता नहीं सकते। काफी कमाल का यहाँ पे शॉट लगाया गया, लुइस को डैमेज दिया, लेकिन माफिया हुए डाउन। ओ माय गॉड, शुरुआत कर दी गई है यहाँ पे, ओ माय गॉड, पीछे शॉट पड़ेगा और दोनों तरफ से बराबरी का यहाँ पे हिस्सा देखने को मिला। एक तरफ अगर एक्स के भी प्लेयर डाउन हो तो दूसरी तरफ यहाँ पे माफिया भी नॉक पड़े हुए, लेकिन क्लियर भी यहाँ पे कर दिया जाएगा डिलीट के द्वारा। देखते देखते जो मुकाबला चल रहा है वो काफी ज्यादा बेहतरीन, इनिशियल फाइट को जिस तरह से लूज कर रही है, क्या उस फाइट को बचा पाएंगे। डिलीट का रश, साइल 03 इजीली यहां पे डाउन जरूर से कर दिए जाने वाले हैं, एंड झंडे गाड़ रही आज दोनों को, शायद यहां पे पता नहीं था कि पीछे से एक और प्लेयर आ सकते हैं और फाइनली क्लोज में आए और देखते देखते यहां पे ओह माय गॉड, आई थिंक सो मुझे ऐसा लग रहा है कि माफिया की तरफ से शायद एक्स को एलिमिनेट कर दिया गया, आई थिंक सो यहां पे जी मेहुल लुइस साहिल।
अब स्टार्ट होता है लास्ट मैच होता है कालारी के मैप में द माफिया की टीम उतरती है सेंट कैटरीना और उनके साथ साथ हैक्स ईस्पोर्ट की टीम भी सेंट कैटरीना उतरती है। अब दोनों की फाइट में कौन जीतता है आप लोग खुद देखो। बोला कि नहीं आएंगे हम, आप जी लो अपनी जिंदगी लेकिन द माफिया के लिए फाइट करो या मोरो का सिचुएशन यहाँ पे करने वाली है। माफिया बाला फेस फाइट डाउन करेंगे एक प्लेयर को, हैक्स ईस्पोर्ट्स बड़े सिचुएशन में फंस चुके, माफिया बाला जरूर से डाउन के। माफिया बढ़िया कवर दे सकते हैं अपनी टीम को, जिस तरह से बैठे हुए हैं पीछे की तरफ। गोल्डन आए हैं इस मैच के अंदर फौजी अजय की जगह एंड देखते किस तरह से जो इन्वॉल्वमेंट है गोल्डन की इस टीम के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पे जरूर से रहने वाले। लेकिन साहिल 03 आखिरी प्लेयर ये इस कालाहारी के मैदान के अंदर, लेकिन द माफियास किल बटोर हैं, जरूर तीन प्लेयर डाउन किए जा चुके थे इनके साहिल के द्वारा, लेकिन साहिल अपने टीम को रिवाइवल दे रहे हैं, रिवाइवल दे भी दिया जाएगा एंड ओके दो प्लेयर को रिवाइवल दिया गया। माफिया डाउन होंगे सामने की तरफ, रुक ये फाइट कभी भी किसी भी वक्त मोड़ सकती है गोल्डन का, कर रही है द माफियास को एलिमिनेट, लेकिन अभी भी डिलीट बाकी रहने वाले, डिलीट सर्वाइव करना चाहेंगे, नहीं नहीं नहीं, डिलीट डाउन द माफियास के, माफिया बाला मेन द की प्लेयर इस टीम के जरूर से यहाँ पे जीवित है। देखते हैं क्या मैच के अंदर लेकर रश आएगा, माफिया बाला को स्पॉट किया गया है, द माफियास चूक चुकी है लगता है मेरे को नल्ला भाई, क्यों बिल्कुल एलिमिनेट होंगे। अब मैंने आप लोगों को पूरे 6 मैच की फाइट दिखा दी, अब आप लोग कमेंट करके पक्का बताना किसने फाइट में ज्यादा डोमिनेट किया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो 1K लाइक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।